नमस्कार, हम बानी जीत कुमार और सब चालू कर दल बानी निश्च तक भोजपुरी देखे। व्याज हम बात कर रहे बानी, ये देख रहे बानी फिल्म के प्रथम लुक, फिल्म के प्रथम लुक देख रहे बानी। फिल्म के नाम बा दीदिया। हाँ, दीदिया फिल्म के भैया प्रथम लुक आ गोल बा। तो आज हम बात करम ये फिल्म का बा कैसन बा कितरे के बा, और ये फिल्म में सत्येंद्र सिंह का करत नजर आई हम, सब कुछ हमने के बात कैल जी ये वीडियो में। चलिए सबको देखा जाने खाते काम कर, चैनल बनाए बानी सब्सक्राइब लाइक कमेंट सब कुछ कर दी। चलिए हमने के वीडियो को चालू कर लिया जो ना, फिल्म का नाम बा दीदिया। देखिए फिल्म दीदिया ये फिल्म के मुहूर्त कर ले गोल, ये फिल्म के मुहूर्त कर ले गोल बटे, अब फिल्म के अभी शूटिंग चालू नहीं करे, लेकिन फिर भी हम कुछ अपडेट जो बा वो बता रहे। देखिए सत्येंद्र सिंह की अगर बात कर जाओ तो फिल्म के जो हीरो बनल वो जब फिल्म लेके अलन पहली बार तो उसमें एक्शन हीरो के रूप में अगो स्थापित होके के चलन की भोजपुरी में हम थोड़ा सा एक्शन लेके आई तगड़ा वाला मजा। लेकिन आज का हो गई कि वो भी फैमिली ड्रामा वाला कहानी पर ही आधारित बढ़ मतलब अब भोजपुरी सिनेमा के ई विडम्बना से चालू हो गए बटे कि पहले रहा कि भैया फिल्म बनाबो, फिर बाद में सिचुएशन के हिसाब से मतलब फिल्म कहाँ रिलीज हुई के खरीदी वो बाद में तय होते रहें। लेकिन अभी का हो गए बटे कि पहले सोच ल कि फिल्म के खरीदी के तरह कंसेप्ट बनाबे के बाद पहले सोच ल और ओकरा बाद से फिल्म बनाओ। तो फाइनली ये फिल्म भी दीदिया फिल्म जोन बाटे जोन की आजकल के जोन सिचुएशन चल रहा बा पूरा इंडस्ट्री में वही से इंस्पिरेशन लेके शायद ये फिल्म भी वही पथ पर भी है। अब वो पथ पर भी या कि नहीं के अभी तो प्रथम लुक बाटे तो हम कयास लगा पाओ तनी। अब फिल्म बन के जब निकली तो कितना कमाल रही, कितना इनक्रेडिबल रही और का अलग कंसेप्ट रही, ये वक्त और समय बताई। हाँ, ये वक्त और समय बताइए। तो बाकी बता दें कि फिल्म के प्रथम लुक आ गोल बा, फिल्म के खूब धूमधाम से वाराणसी में मुहूर्त भी कई गोल। हाँ, धूमधाम से वाराणसी में मुहूर्त भी कई गोल। बता दें फिल्म के निर्माता गोकुल प्रोडक्शन। हाँ, गोकुल प्रोडक्शन के बैनर तले फिल्म के मतलब निर्माता प्रोड्यूस कर जात बटे और देख बटे कि फिल्म कितना शानदार बन के निकलता। बता दें फिल्म के कहानी लिखल बड़न और फिल्म के डायरेक्शन कर मोतीलाल गुप्ता। अब मोतीलाल गुप्ता के कहानी और मोतीलाल गुप्ता के डायरेक्शन में वो कितना जान हुई जो कि एक फिल्म के एगो चार चांद लगाई और बताओ एक्टर सत्येंद्र सिंह के मतलब इंडस्ट्रीज में एगो जलवा बना दी। ये तो वक्त और समय बताई काहे कि मोतीलाल गुप्ता इससे पहले कितना फिल्म कर बढ़ो एक हमारा लगे कोनो अपडेट नहीं के, कोनो अपडेट नहीं के भाई, ये सच बताओ तुम्हें। अगर जरूर अगर फिल्म के सेट पर मिल जाए तो शायद इनकर इंटरव्यू लेके हम बहुत सारा चीज़ खुलासा भी करब। तो मोतीलाल गुप्ता के ये फिल्म कितना शानदार और कितना ब्लॉकबस्टर हुई ये तो वक्त बताए, और बाकी ये फिल्म में सत्येंद्र सिंह के साथ उनकर केमिस्ट्री का हुई ये भी समय बताए। बाकी बता दें फिल्म के स्टार कास्ट में सत्येंद्र सिंह और प्रियंका पंडित एक बार फिर से दिखाई दे रहे हैं। जहाँ एक बार फिर सही से कहते हैं कि इससे पहले भी जब सत्येंद्र सिंह पहली बार फिल्म लेके अल तो प्रियंका पंडित के साथ ही अल, तो एक बार फिर से उन लोग साथ आओ तरन जा तो उन लोग के बीच के केमिस्ट्री कितना शानदार ये फिल्म में देखी और कितना बढ़िया रही। और एक बार फिर से मतलब इंडस्ट्रीज में कितना भूचाल है बताओ और एक्टर भूचाल ले हम सत्येंद्र सिंह ये तो वक्त और समय बताए। तो बाकी दीदिया फिल्म के प्रथम लुक से बस इतना ही अपडेट बटे, मुहूर्त हो चुकल बा, शूटिंग का भी कोनो खास अपडेट नहीं के। जब भी अपडेट हो निश्चित भोजपुरी रहो इनके बेबाक अंदाज में सब कुछ बता दिल करी काहे कि देखे जगह कुछ भी होला चट उकरता ही ना होला। हाँ, तो बस बन रही निश्चित भोजपुरी पर और देखते रही बाकी हम जी सलाम।